सुशीला घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। सुशीला का पति बीमार रहता था। सिर पर घर की जिम्मेदारी, सास की सेवा और बेटी की शादी। इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी सुशीला हिम्मत नहीं हारती थी, क्योंकि उसे ये हिम्मत उसकी देवी माँ से मिलती थी। सुशीला माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो काम पर जाने से पहले माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन करके ही काम पर जाती थी। माँ दुर्गा, मेरी पूनम की शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाएगी तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी। सुशीला बहन, माँ दुर्गा से अपने किसी भी भक्त की तकलीफ नहीं छुपी, उन पर विश्वास रखो। वो पूनम बिटिया की शादी बहुत अच्छे से करवाएंगी। बस संजोग खुलने की बात है। अब तुम्हारे पति घनश्याम की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती पंडित जी। जब से रीढ़ की हड्डी का एक्सीडेंट हुआ है, तब से ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं। अच्छा, राम राम पंडित जी, चलती हूँ। सुशीला काम पर चली जाती है। वो बहुत मेहनत करती थी। सारा दिन लोगों के घरों में काम करना, फिर घर आकर घर के काम समेटना। माँ, तुम रहने दो, बर्तन मैं कर लूंगी, तब तक तुम थोड़ी देर आराम कर लो। सुशीला बहू, क्या बात है, आज तूने मेरे लिए करेले की सब्जी नहीं बनाई। कितने दिन से तुझे बोल रही हूँ। माँ जी, करेले मैंने पूछे थे पर 30 रुपए पाव थे, अगर आधा किलो लाती तब पूरे होते। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, शुरू से ही जब से आई है हमारे घर में गरीबी ही छाई हुई है। पता नहीं कैसे कदमों से हमारे घर आई थी। घनश्याम का एक्सीडेंट हो गया, बेटा तेरे से पैदा नहीं हुआ। लड़की पैदा हुई तो वो आज तक कुंवारी बैठी है। पता भी है कुछ, लड़की 23 पार कर चुकी है। बस भी करो दादी, कितना कोसोगी माँ को। माँ ने अपना पूरा जीवन इस घर की देखरेख में चला दिया, फिर भी आप ताना सुनाने से बाज नहीं आती हो। बापू के एक्सीडेंट के लिए माँ जिम्मेदार नहीं है। वो जब रिक्शा से नीचे गिरे तब उन्होंने शराब पी रखी थी। माँ ने बहुत किया है दादी, इतना मत सुनाओ उन्हें। और मेरे नसीब में शादी होनी लिखी होगी तो हो जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कर पूनम, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। जा, जाकर दादी के लिए 2 रोटी सेक दे, तब तक मैं तेरे बापू को खाना देती हूँ। सुशीला ने सारी जिंदगी गरीबी देखी। सुशीला को शादी के बाद पता चला था कि घनश्याम शराब पीता है। घनश्याम ने शराब की लत के कारण अपनी सारी जमीनें बेच दी और बिल्कुल बेरोजगार हो गया। पूनम छोटी थी, सुशीला को काम करना था। जैसे तैसे पूनम की देखभाल के लिए सुशीला ने घरों में काम करना शुरू किया और आज तक कर रही है। पूनम भी गांव के सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ी थी। पैसे नहीं थे इसलिए आगे नहीं पढ़ पाई। अब वो गांव के ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। एक दिन सुशीला माँ दुर्गा का पाठ कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू थे। तभी उसकी आंख लग जाती है और वो देखती है कि साक्षात माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर उसके सामने खड़ी है। पुत्री, तुम क्यों दुखी होती हो? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरे आने वाले नवरात्रि व्रत सच्ची श्रद्धा से पूर्ण करने के पश्चात तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अचानक सुशीला का सपना टूटता है और वो देवी माँ को ढूंढने लगती है, पर उसके आसपास कोई नहीं था। उसे अपना सपना याद था और माता रानी के कहे हुए शब्द भी। उसने विचार कर लिया था कि वो नवरात्रि व्रत जरूर पूर्ण करेगी। सुशीला माँ दुर्गा का नाम लेकर नवरात्रि व्रत प्रारंभ करती है। बताओ, घर में खाने को है नहीं और ये महारानी व्रत रख रही है। पता भी है कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा कितना महंगा मिलता है। ऊपर से तू फल सब्जियां अलग खाएगी। आजकल व्रत रखना कोई आसान बात है? हम गरीबों के लिए सूखी रोटी ही सही है, ये फालतू के व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैंने लौंग के जोड़े पर व्रत माने हैं और मैं जानती हूँ माता रानी मेरी मुराद अवश्य पूरी करेंगी। माँ, तुम सारा दिन घरों में काम करती हो, फिर घर आकर काम करती हो, तुम भूखी प्यासी व्रत कैसे रखोगी? पूनम सही कह रही है सुशीला, पहले मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तुमने मेरी गलतियों को माफ करके पूरे घर को संभाला हुआ है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, माता रानी मेरे साथ है, वो मुझे कुछ होने ही नहीं देगी। अभी तो मुझे बहुत सी जिम्मेदारी निभानी है, आप मेरी चिंता मत करो। सुशीला ने नवरात्रि व्रत प्रारंभ कर दिए। सुशीला माता रानी के नाम की जोत जगाकर एक लौंग का जोड़ा मुंह में रखती थी और एक गिलास पानी पी लेती थी, और फिर सारा दिन मन ही मन माँ दुर्गा का नाम लेकर वो अपना काम करती रहती थी।
सुशीला माँ के भरोसे ये सारे नवरात्रि व्रत रख रही थी। माँ तो आखिर माँ होती है, फिर वो माँ दुर्गा ही क्यों ना हो। एक दिन सुशीला किसी के घर काम कर रही थी, वो अचानक चक्कर खाकर गिरने लगी। तभी उसने देखा कि उसे गिरते हुए किसी ने संभाला है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे माँ दुर्गा ने उसे गिरने से रोक दिया हो। उसके बाद सुशीला को 6 दिन तक कोई कमजोरी नहीं हुई, चक्कर भी नहीं आए। पता ही नहीं चला कि उसके 6 व्रत कब पूर्ण हो गए। एक दिन पूनम गांव में एक पेड़ के नीचे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी पड़ोस के गांव के जमींदार ज्ञान सिंह वहां से गुजर रहे थे। अचानक चलते चलते उनका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर गए। पूनम भागकर उनके पास जाती है। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? आप गिर कैसे गए? बेटिया, पैर मुड़ गया, पता ही नहीं चला। अब उम्र हो चली है, चलते चलते पैर लड़खड़ा जाते हैं। मेरा बेटा अनिल मुझे यहाँ आने के लिए मना भी कर रहा था, पर मैंने ही उसे जिद की कि चौधरी साहब से मिलने खुद जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको यहीं खटिया बिछा देती हूँ, आप उस पर कुछ देर आराम कर लेना, मैं चौधरी साहब को यहीं बुला लाती हूँ। पूनम का घर पास में ही था, वो वहाँ से एक चारपाई लाकर पेड़ के नीचे ही बिछा देती है और चौधरी ज्ञान सिंह उस पर लेट जाते हैं। इतनी देर में गांव के जमींदार भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बात पता चल जाती है। चौधरी साहब, मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी, नमस्ते। बहुत होनहार बच्ची है, मैं तो अपने अनिल के लिए ऐसी ही लड़की चाहता हूँ। काश पूनम जैसी बेटी मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे अनिल के तो नसीब ही खुल जाएंगे। ध्यानचंद जी, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। बेचारी गरीब की लड़की है, उसकी माँ तो इसकी शादी के लिए कब से परेशान है। मैं जल्दी ही इस बारे में सुशीला और घनश्याम से सारी बात कर लूंगा। सुशीला ने पूरी निष्ठा भावना से नवरात्रि व्रत पूरे किए और उसे खुशी की खबर सुनने को मिल गई। चौधरी साहब ज्ञानचंद जी के बेटे अनिल का रिश्ता पूनम के लिए लेकर आते हैं। हे देवी मैया, आपने तो मेरे दुख दूर कर दिए, मेरी बच्ची का रिश्ता इतने बड़े घर में करवाया। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। माँ दुर्गा आपकी जय हो, आपके नवरात्रि व्रत में बहुत शक्ति है। माँ दुर्गा, आप सचमुच मनोवांछित फल देने वाली हो। और फिर शुभ मुहूर्त में पूनम की शादी चौधरी ज्ञान सिंह की बेटी से संपन्न हो जाती है। घनश्याम की तबीयत में भी सुधार आता है और वो फिर से काम करने लगता है। अब सुशीला की सास भी अपनी बहू से अच्छे से व्यवहार रखने लगी थी। धीरे धीरे माँ दुर्गा की कृपा से सुशीला के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। शिवपुर गांव में आदि और शालू अपने चाचा प्रीतम और चाची नर्मदा के साथ रहते थे। उन दोनों के माता पिता का देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया था। जहां प्रीतम बच्चों को बेहद प्यार करता था, तो वहीं नर्मदा उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन शालू घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी नर्मदा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ शालू की बच्ची, कहां मर गई? अभी आई चाची। जब देखो तब खेलती रहती है, घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? पर चाची, घर का सारा काम खत्म करके ही मैं खेलने गई थी। काम खत्म हो गया है तो रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी आदि वहाँ आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर पर भी टिक जाए कर। चाची, मैं पास वाले दुर्गा माँ के मंदिर गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी, खेत पर ही चला जाता अपने चाचा का हाथ बटाने, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाता। हाँ चाची, पहले खाना खा लूँ फिर चला जाऊंगा। पर खाना तो खत्म हो गया, अब रात को ही मिलेगा। आदि बिना कुछ खाए भूखा ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता है, पर शालू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी चाची से कहती है, चाची आपने आदि भैया से झूठ क्यों कहा, वो भूखा ही चला गया। तू जरा सी लड़की मुझे झूठी बता रही है, आने दे तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ तुझे। फिर शाम को दोनों चाचा भतीजा घर वापस आते हैं। उनके आते ही नर्मदा उन दोनों के खिलाफ प्रीतम के कान भर देती है, जिससे वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। रात को ठंड में दोनों सड़क पर चले जा रहे थे, तभी शालू कहती है, आदि भैया अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तू चिंता मत कर शालू, तुझे याद नहीं जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो माँ क्या करती थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं भैया, मैं तो बहुत छोटी थी ना, आप ही बता दो क्या कहती थी हमारी माँ। माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। चल अब हम सीधा माँ दुर्गा के ही मंदिर चलते हैं।
इतना कहकर दोनों बच्चे माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते हैं और भूखे प्यासे रात को वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो उन दोनों से पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? फिर वो दोनों अपनी सारी कहानी पंडित को बताते हैं। वो सब तो ठीक है बच्चों, पर कोई भी तुम्हें मंदिर में रहने नहीं देगा। पंडित जी, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, तुम कुछ दिन वहीं रह सकते हो। जैसे ही तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। इसके बाद आदि और शालू पंडित जी की कुटिया में ही रहने लगे। आदि मंदिर की साफ सफाई करता तो वहीं शालू माँ के लिए फूलों की माला बनाने का काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात आदि के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उससे कहती हैं, वत्स, तुम दोनों भाई बहन की भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। अभी तुम दोनों को बहुत सारे कार्य करने हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। आदि चौंक कर उठकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अगल बगल देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह वो पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर होते होते वो दोनों चलकर काफी दूर निकल आए थे। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आता है। फिर आदि और शालू अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा उस भिखारी को भी दे देते हैं। बच्चों, तुम दोनों ने खुद आधा पेट खाकर मुझे खाना दिया है। मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है, पर आज मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसका जाप करके तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। पर बाबा, आपको इस मंत्र के बारे में कैसे पता? तू ये मंत्र याद कर ले बस, फिर देख तेरी जिंदगी सवर जाएगी। तुझे याद तो होगा ही कि माँ दुर्गा ने तेरे सपने में आकर क्या कहा था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं बाबा कि दुर्गा माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने क्या कहा था? तभी वो भिखारी हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जय श्री राम। बच्चों, माँ दुर्गा के आदेशानुसार मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम दोनों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव आता है जहां एक दुकान के बाहर हेल्पर की आवश्यकता है का नोटिस लगा हुआ होता है। ये देखकर आदि और शालू उस सेठ की दुकान में काम करने लग जाते हैं। आदि जहां कपड़े बेचने का काम करता है, वहीं शालू उस दुकान में साफ सफाई के साथ साथ चाय पानी देने का काम संभाल लेती है। कुछ समय बाद आदि और शालू सेठ जी से कपड़े लेकर गाँव गाँव बेचने निकल पड़ते हैं। उनके कपड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। सारा काम अच्छे से सीखने के बाद थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आदि और शालू खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोनों भाई बहन की दुकान से होने वाली मोटी कमाई से एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके अंदर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं। फिर वो दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं और हर महीने माता के नाम के भंडारे करवाने लगते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी उन पर खूब बरसता है और देखते ही देखते वो दोनों उस गांव के सबसे धनी लोगों में शुमार हो जाते हैं।